ये है हीरो कंपनी की हीरो सुपर स्प्लेंडर अगर आप इस बाइक के बारे में सारी डिटेल्स जानना चाहते हैं बारीकी से कि इसका इंजन पावर कितना है इसमें फ़ीचर क्या हैं इसमें कितने कलर ऑप्शन हैं इसमें कितने वेरिएंट हैं इसका एक् शोरूम प्राइस कितना है ऑन रोड प्राइस कितना है इसका टॉप स्पीड कितना है माइलेज कितना है सारी चीज़ों के बारे में अगर आप डिटेल्स जानना चाहते हैं तो हम इस वीडियो में इसी बारे में बात करेंगे न्यू सुपर स्प्लेंडर की अगर हम बात करें तो 125 सीसी में हीरो की तरफ से आने वाली सबसे ज्यादा माइलेज देने वाली बाइक जो कि काफी बड़ी बाइक देखने को लगती है इसमें आपको नया बदलाव देखने को मिला है कलर को लेकर और नए फीचर भी आपको देखने को मिली है आइए जानते हैं परफॉर्मेंस कैसी इसकी रहेगी और कीमत क्या है न्यू सुपर स्प्लेंडर स्पेसिफिकेशन की बात करें तो दमदार और पावरफुल इंजन के लिए आप ले सकते हैं सुपर स्प्लेंडर जिसमें आपको बेहतरीन माइलेज के साथ अच्छी रिसेल वैल्यू भी देखने मिलती है इस बाइक के बारे में थोड़ा डिटेल से हम बात कर लेते हैं इसके इंजन के हम बात करें तो 124.7 सीसी एयर कूलेट फोर स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर इंजन इसका मिल जाता है पावर की बात करें तो 8 के केडब्ल्यू 7500 आरपीएम पर इसका पावर मिल जाता है टॉर्क की बात करें तो 10.6 एनएम 6000 आरपीएम पर मिल जाती है ब्रोक एक्स स्ट्रोक एक की बात करें तो 52.4 एक्स 57.8 mm की मिल जाती है फ्यूल सिस्टम की बात करें तो एडवांस्ड प्रोग्रामड फ्यूल इंजेक्शन मिल जाता है क्लच की बात करें तो वेट मल्टीप्लेट क्लच आपको मिल जाता है गियर बॉक्स की बात करें तो फाइव स्पीड कॉन्स्टेंट मेस मिल जाता है ट्यूबलो डायमंड फ्रेम मिल जाता है सामने वाली सस्पेंशन की बात करें तो टेलीस्कोपिक हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर्स मिल जाता है पीछे वाली सस्पेंशन की बात करें तो फाइव स्टेप एडजस्टेबल हाइड्रोलिक शॉक एब्बॉर्बर्स मिल जाता है सामने वाली डिस्क ब्रेक की बात करें तो 240 हंड्रेड फोर्टी एम की डिस्क ब्रेक मिल जाती है सामने वाली ड्रम ब्रेक की बात करें तो 130 हंड्रेड थर्टी एम की सामने वाली ड्रम ब्रेक मिल जाती है सामने वाली टायर की बात करें तो अस्सी सौ अठारह ट्यूबलेस टायर मिल जाता है पीछे वाली टायर की बात करें तो नब्बे नब्बे अठारह पीछे का टायर मिल जाता है लंबाई की बात करें तो 2042 थाउजेंड फोर्टी की लंबाई मिल जाती है चौड़ाई की बात करें तो 740 हंड्रेड फोर्टी की चौड़ाई मिल जाती है ऊंचाई की बात करें तो 1102 थाउजेंड वन की ऊंचाई मिल जाती है सीट की ऊंचाई की बात करें तो 799 हंड्रेड नाइनटी की सीट की ऊंचाई मिल जाती है व्हील बेस की बात करें तो 1273 थाउजेंड टू की व्हील बेस मिल जाती है जमीन से ऊंचाई की बात करें तो 180 हंड्रेड एटी की जमीन से ऊंचाई मिल जाती है फ्यूल टैंक की बात करें तो 12 लीटर का इसका फ्यूल टैंक है कर्ब वजन की बात करें तो 123 किलोग्राम की डिस्क वाली की वजन है और 122 किलोग्राम ड्रम वाली की वजन है यानी कि डिस्क और ड्रम में आपको एक किलो का अंतर देखने को मिल जाएगा न्यू सुपर स्प्लेंडर फीचर की अगर हम बात करें तो अभी गाड़ी के फीचर में बड़ा बदलाव आपको देखने को मिला है क्यूँकी इसमें अब आपको डिजिटल मीटर भी देखने को मिलेगा जिसमे आप माइलेज के साथ साथ फ्यूल की इंडिकेशन देख पाएंगे और मोबाइल चार्जिंग का सॉकेट भी इसमें आपको अब देखने को मिलेगा तो फीचर के मामले में अभी गाड़ी शानदार हो गई है क्योंकि माइलेज के मामले में तो ये पहले से ही शानदार थी इसके कुछ फीचर के बारे में बात कर लेते हैं इसमें आपको मिल जाता है क्रोम मफलर एंड क्रोम ऑन हेडलाइट अनलॉक प्लस डिजिटल मीटर मिल जाता है यू मोबाइल चार्जर आपको इसमें मिल जाता है साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ मिल जाता है एक्सेंस एफ इंजन मिल जाती है बड़ी सीट आपको मिलती है इसमें और पांच नए कलर इसमें आपको देखने को मिलेंगे न्यू सुपर स्प्लेंडर प्राइस की अगर हम बात करें तो इस गाड़ी में आपको दो वेरियंट देखने को मिलती है डिस्क ब्रेक और ड्रम ब्रेक दोनों की ही मैं आपको ऑन रोड कीमत बता रहा हूँ दिल्ली और यूपी के हिसाब से इसमें आपको दोस्तों पंद्रह से लेकर दो हजार का अंतर देखने को मिल सकता है क्यूँकी हर राज्य की रजिस्ट्रेशन फीस होती है फिर भी आप इसके हिसाब से अपने बजट को बना सकते हैं ड्रम ब्रेक की अगर मैं बात करूं एक शोरूम कीमत इसकी सतर हजार तीन सौ अठारह रुपए है ऑन रोड कीमत की के अगर मैं बात करूं तो बानवे हजार अड़तीस रूपए ऐसी लेके छियानबे हजार सात सौ तक आपको पड़ जाएगी डिस्क ब्रेक की अगर मैं बात करूं एक शोरूम कीमत इसकी बयासी हजार चार सौ अड़सठ है ऑन रोड कीमत की बात करूं तो सत्तानबे हजार सात सौ निन्यानवे रुपए लेकर एक लाख दो हजार आठ सौ तक आपको पड़ जाएगा ब्लैक एंड एक्शन ड्रम की अगर मैं बात करूं एक शोरूम कीमत तो अठहत्तर हजार सात सौ अड़तालीस ऑन रोड प्राइस की अगर मैं बात करूं तो तिरानवे हजार छह सौ अड़तीस रूपए से लेकर सत्तानवे हजार आठ सौ छियाठ रूपए तक आपको पड़ जाएगा ब्लैक एंड एक्शन डिस्क की, की अगर मैं बात करूं एक शोरूम कीमत, तो कीमत की बात करूँ तो अट्ठानबे हजार सत्तावन रुपए से लेकर एक लाख तीन हजार छह सौ उनसठ रूपए तक आपको पड़ जाएगा और इस सुपर स्प्लेंडर की टॉप स्पीड की अगर हम बात करें तो इस सुपर स्प्लेंडर की टॉप स्पीड है सौ किलोमीटर पर आवर्स यानी की सौ किलोमीटर की रफ्तार तक ये गाड़ी चल सकती है और इस बाइक की माइलेज की अगर हम बात करें तो इसकी माइलेज है फिफ्टी सिक्स से लेके किलोमीटर यानी कि छप्पन किलोमीटर पर लीटर की है जो हीरो जानकारी मिस हो गई है तो आप मुझसे कॉमेंट में पूछ सकते हैं मैं कोशिश करूंगा की आपके कॉमेंट का भी मैं जवाब दे दूँ अगर आपको किसी और गाड़ी का वीडियो चाहिए तो आप कॉमेंट कर सकते हैं अगर मुझसे हो सकेगा तो मैं आपके कॉमेंट पे भी वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा अगर आप मेरा वीडियो कौसाम्बे से कहीं से देख रहे हैं तो मैं इस शोरूम का एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर दे दूंगा अगर आप इस शोरूम में विजिट करना चाहें तो विजिट कर सकते हैं मैं कॉन्टैक्ट नंबर दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में दोस्तों अगर मेरे वीडियो में कोई ऐसा एड आता है जिसमें जुआ वगैरह के बारे में बताते हैं तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कोई ऐसे एप्लीकेशन के चक्कर में ना पड़े जिसमें आप बर्बाद हो जाएं क्योंकि जुआ ऐसी चीजें शुरू में आपको लालच देती है और बाद में आपको बर्बाद कर देती है तो इस वजह से मैं यही कहना चाहता हूँ कि ऐसे कोई एप्लीकेशन डाउनलोड ना करें हमेशा मेहनत करके कमाने की कोशिश करें तो ये गाड़ी आपको कैसी लगी और वीडियो कैसी लगी कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा अगर आपने अभी तक मेरे ए इंडियन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे ए इंडियन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं कार व्हीकल से रिलेटेड वीडियो अपलोड करता रहता हूँ तो अब इस वीडियो को एंड करते हैं मिलते हैं किसी नए गाड़ी के साथ नए वीडियो में